गाइस, मैं जा आपको बताने वाला हूं कि हम स्नैपडील पे अपने ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने ऑर्डर मतलब अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करोगे स्नैपडील पर। सेम वही चीजें मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट करने के बाद जो आपके पास ऑर्डर आता है उसको कैसे प्रोसेस करते हो। ठीक है, तो आज मेरे पास ऑर्डर प्रोसेस है तो उसको मैं अपने डेस्कटॉप पे चलके बताता हूँ, कैसे उसके इनवॉइस निकालोगे, कैसे आप उसको बिल जनरेट करोगे, किस तरीके से आप निकाल के आप लगाओगे उस पे। तो सारी डिटेल्स में आपको किस तरीके से प्रोसेस होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्नैपडील के सेलर पैनल में उसमें जाने के लिए आपको आईडी और सपोज मैं मानता हूँ कि आपके पास आईडी पासवर्ड डेफिनेटली होगा। इसको अभी मैं ऑर्डर स्टेज पे डायरेक्ट आ जाऊँगा। पहले हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में जहाँ आपको आइडिया आएगा कितने ऑर्डर्स आपके हैं, कितने पीस आने वाले हैं। ये देखिए टोटल्स 19 ऑर्डर्स हैं और पैक में 3 हैं। और चलिए देखते हैं कि कैसे प्रोसेस करते हैं। ऑर्डर्स में चले जाइए पहले यहाँ पे ऑर्डर पे जाने के बाद आप ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर लीजिए जो जो आपको प्रोसेस करने हैं। जैसे सपोज़ ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, जो भी आपको प्रोसेस करना है और सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर हैं और जो भी मुझे प्रोसेस करने हैं और ये सब चीज़ें, ये सारे ऑर्डर्स मैं अभी प्रोसेस करने वाला हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ। ये सारे ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ जैसे ही क्लिक करेंगे उसका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा इनवॉइसेस को। यहाँ पे इनवॉइसेस डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट डाउनलोड या आपके पास जैसे होगा सिस्टम में, यहाँ पे इनवॉइसेस सारे निकाल दिए हैं और अभी मैं इसकी प्रिंट निकाल लूँगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेज है, एक ही ऑर्डर के 3-4 पेज आपको दिखेंगे। ये पहला पेज है, इसके बाद दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये सारे फॉर्म हैं जो मैंडेटरी होते हैं आपके से देने के लिए। ये सब टैक्स रिलेटेड फॉर्म हैं, फॉर्म 0204 होता है, सॉरी फॉर्म 402 देना पड़ता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 402 आ जाता है, अगर वो फॉर्म अप्लीकेबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। उसको आपको डाउनलोड करके उसको साथ में प्रिंट सिग्नेचर करके कोरियर वालों को दे देना है, वो अगर वो डिमांड करते हैं तो। अगर वो डिमांड करते हैं तभी देना है, अगर अदरवाइज आप सिर्फ फर्स्ट पेज हर एक ऑर्डर का प्रिंट निकाल के आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। और ये कैंसिल से ये मैं सेव कर लिया यहाँ पे। उसके बाद तो ठीक है, ये होने के बाद मैं लोकेशन देख लेता हूँ कहाँ पे है ये। ओके ऑलराइट, ठीक है, ये है इनवॉइसेस निकाल लिए। अब वापस आप स्नैपडील के पैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आप थोड़ा सिस्टम स्लो चलने की वजह से और आपके जो ऑर्डर प्रोसेस किए हैं वो पैक में आ जाएंगे। अभी यहाँ से आपको ऑर्डर्स मैनिफेस्ट में मूव करने होंगे। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि 8 पैकेज हैं, इसमें 4 हैं एक्सप्रेस वीस का, यहाँ इसके भी 3 हैं। हर एक में जब मैं जाऊँगा व्यू पैकेज में क्लिक करूँगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है इसको मैं सेलेक्ट करके ऐड टू मैनिफेस्ट कर दूंगा। अगर ऐड टू मैनिफेस्ट करता हूँ तो यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पे ये सक्सेसफुली का ऑप्शन हो गया, वो हैंडओवर में चला जाएगा। उसके बाद ये हैंडओवर में आ गया, उसके बाद अब मैनिफेस्ट का प्रिंट निकालूंगा
प्रिंट निकालने के बाद प्रिंट के दो कॉपीज निकालूंगा, क्योंकि एक कॉपीज आपके पास रहेगी जो आपको स्कैन करनी होगी, और वो स्कैन कहाँ कहाँ पे करना है वो मैं बता दूंगा अगले ट्यूटोरियल में। यहाँ पे दो कॉपीज मैं निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये साइज इसलिए कर रहा हूँ मैं कि काफ़ी पेजेस बहुत निकलते हैं और बहुत ही फुल साइज में निकलते हैं, तो काफ़ी वेस्टेड पेज होता है, इसलिए हम फाइल में ही निकालते हैं। और इसका प्रिंट निकल गया और मैनिफेस्ट में आपको रखना पड़ेगा, और ये मैनिफेस्ट जब साइन हो जाता है तब आपको अपलोड करना रहेगा। इधर यहाँ पे देखिए, अपलोड मैनिफेस्ट कॉपी यहाँ पे लिख के आया। अब वही मैनिफेस्ट अब साइन हो जाता है, यहाँ पे आप अपलोड करके मैनिफेस्ट को डाल देना है, और पिकअप टाइम आप जो भी आप डाल के सबमिट कर देना है। मैं भी नहीं करना है क्योंकि मैंने अपलोड अभी किया नहीं है, वो सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ आपका पेमेंट रुक सकता है, रुक जाएगा। और ये ऑर्डर प्रोसेस करने का ऑर्डर करने का तरीका था, और इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और वी पैकेज में मैं देख लेता हूँ कि आपको क्या यहाँ पे अदर क्या आएगा, चार्ज प्रोडक्ट्स 1 2 3 4। लेट्स से कि अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि एक आध प्रोडक्ट आपका नहीं है, तो आप क्या करिए उस टाइम में, तो आप जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको ही सिलेक्ट करना है, ऐड टू मैनिफेस्ट में कॉपी करने आए हैं। ये दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे हैंड ओवर में जाने के बाद आपको व्यू प्रिंट आप निकालोगे, उसके बाद उनकी प्रिंट्स आप निकाल के डाउनलोड कर लोगे। जब वो कोरियर आएगा उसको देना होगा, हैंड ओवर देके सिग्नेचर करके अपने पास मैं रख लूँगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट का नवा मैनिफेस्ट आ गया है, इसके लिए दो कॉपीज में निकालूँगा। और ओके, और ये हो गया। ऑलराइट, दो कॉपी से निकल गई। ठीक है दोस्तों, बहुत सी सिंपल है ऑर्डर प्रोसेस करने में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये अब जितने भी ऑर्डर प्रोसेस करते हैं वन मैनिफेस्ट अपलोड करना ना भूलें। अगर आप कोरियर आपके पास को के लिए नहीं आता है तो डिस्क्लोज भी रेज कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन मिलता है डिस्क्लोज रेट करने के लिए बिटवीन 7 and 12 रात को, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको ऑप्शन मिलता है वो रात के। इसको छोड़ के और कुछ ज़्यादा आपको नहीं कुछ सोचना है, बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप मैसेज करिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना ही रिप्लाई दूंगा। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, नो इश्यूज़। और कुछ और आपको डेमो चाहिए और कुछ चाहिए अपडेट चाहिए आप मुझे बताना कोई भी चैनल का, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कोई भी मार्केट प्लेस का। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब करिए। और अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।